फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि इस डिजाइन को कैसे हम 3D काटेंगे और इसका आउटलाइन के साथ इसका काटिंग कर देंगे। तो उस टूल पाथ को कैसे बनाएंगे देख लीजिए। सपोज आपके पास ये डिजाइन है और इसको बॉलनोज से ही डायरेक्टली काटना है, तो आप क्या करेंगे, 3 mm का बॉलनोज यूज करेंगे, मतलब बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो देख लीजिए, विंडोज में जाके टाइल वर्टिकल की करके दोनों व्यू को हम देख लिया। अभी क्या करना है, इसका डेप्थ कितना है देख लीजिए, 15.5 है। तो हम इधर क्या करेंगे, ये क्रिएट वेक्टर बाउंड्री फ्रॉम रिलीफ, ये जगह पे जाके 1 mm ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, इससे बाउंड्री हमारा बन गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे देख लीजिए, इधर इसका जो आउटलाइन है, खाली आउटलाइन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो पूरा पूरा आउटलाइन हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या करना है देखिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेव एडिटर 0.1 मार्ज हाई कर देंगे, ठीक है। फिर इस आउटलाइन को कंट्रोल एक्स करके काट लेंगे और नया वेक्टर वाला लेयर पे इसको पेस्ट कर देंगे। और इधर देखिए, अभी हाइट जो है 15.5 है हमारा, ठीक है। तो अभी करना क्या है, इसको कटिंग करना है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हाइट है इसको एकदम राउंड फिगर में लेता है, मतलब 16 mm कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको स्लाइसिंग करना है। तो स्लाइसिंग का मतलब जेड रैपिंग करके काम को करना है। तो हम टूल पाथ में जाएंगे और इधर क्या करना है, सिलेक्टेड टूल पाथ करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे देखिए, इसे सिलेक्ट किया आउटलाइन को, फिर राइट क्लिक करके सेव एडिटर 0.1 mm फिर से एक बार मार्च हाई कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको सिलेक्टेड टूल पाथ में हमको काम करना है। तो इधर जाएंगे जेड रैपिंग वाला जगह पे, सिलेक्टेड वेक्टर सिलेक्ट करके इधर रैपिंग के लिए क्या है, 6 mm एंड मिल सिलेक्ट करेंगे और एडिट ऑप्शन में जाएंगे। और अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे। तो 16 mm को 4 बार डिवाइड करना है। तो देखिए, 16 चार बार हम काम करेंगे, तो 4, तो इधर स्टेप डाउन क्या करेंगे, 4 mm करके देंगे, ओके। फिर सेटअप में जाके सपोज ये 25 mm का मटेरियल में काम होगा तो 25 ऐसे सिलेक्ट रखेंगे, फिर ओके कर देंगे। अच्छा, और एक बात, 6 mm हमने जो सिलेक्ट किया था उसका देखिए, फीड रेट हम रखेंगे 120, फ्लांग रेट रखेंगे 80, ठीक है। फिर नाउ ऑप्शन पे क्लिक, तो 3 बार लास्ट जो बारीकी है वो रुक जाएगा, मतलब 16 mm के अंदर 12 mm जेड रैपिंग होगा और 4 mm बचा रहेगा। वो 4 mm को हम 3 mm बॉलनोज से फिनिशिंग करेंगे। फिर इधर जाएंगे सिलेक्टेड वेक्टर और 3 mm बॉलनोज सिलेक्ट करेंगे, स्टेप डाउन देंगे 0.5, इधर भी फीड रेट 120, फ्लांग रेट 80, ओके सिलेक्ट। नाउ ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, के ऊपर काट सकते हैं वो कोई बात नहीं, पर मैंने 3 mm से इसलिए दिखाया इसमें। और एक बात, अलग होगा वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा कि कर सकते हैं और कैसे स्टोन की ट्यूटोरियल में वो मैं दिखा दूंगा। तो ये हमारा टूल पद रेडी हो गया। अभी सिमुलेशन से हम क्या करेंगे, पूरा प्रीव्यू को देखेंगे। तो देख लीजिए, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 3 mm बॉलनोज से एकदम बारीक से इसका फिनिशिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका आउटलाइन जो है, आउटलाइन को कटिंग करेंगे। अच्छा, थोड़ा नजदीक से मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, देख लीजिए, देख रहे हैं
तो 3 mm से इसका अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा। फिर देखिए इसका आउटलाइन काटने के लिए हम कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। देखिए इधर आउटलाइन अलग से मैंने रख दिया था, तो ये वाला आउटलाइन सिलेक्ट करेंगे और 2D प्रोफाइल टूल में जाएंगे, आउटसाइड सिलेक्ट करेंगे। फिनिश डेप 25 mm है, तो इधर 6 mm से सपोज हम काटिंग करना चाहते हैं 6 mm एंड मिल से, और 25 mm हम एक बार में तो नहीं काटेंगे। 25 mm को काटने के लिए हम किस तरह से हिसाब को लेंगे वो दिखाता हूँ। देखिए फिर से कैलकुलेटर लेंगे और देखिए 25 mm को सपोज हम 3 mm करके काटेंगे, डिवाइड बाय 3, मतलब 9 बार से अगर काट देंगे तो सही रिजल्ट आएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 9, 2.777। तो 6 mm सिलेक्ट किया, एडिट इधर रखेंगे 2.777, ओके सिलेक्ट। देखिए 25 mm है ना, अच्छा सिलेक्टेड वेक्टर जो है ये सेल्फ इंटरसेक्ट दिखा रहा है, तो दिक्कत की बात नहीं, इधर ऐसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको एक बार खाली डॉक्टर वेक्टर में जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर वेक्टर में जाके आइडेंटिफाई जो ओवरलैप है उसको आइडेंटिफाई करके फिक्स प्रॉब्लम क्लोज यस। अभी टूल पाथ में जाइए, ठीक है नाउ देख लीजिए, ठीक है, और इसका कटिंग कैसे होगा वो भी दिखाता हूं। देख लीजिए तो इस तरह से इसका आउटलाइन भी कटिंग हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।